वो एक दिन में भेजे 50 50 कौन से क्षेत्र वालों को भेजे? वो उसके लिए इनका रजिस्टर जो है ना, इस रजिस्टर के अंदर इनका नाम लिखे हुए हैं। एक मेरा सवाल, एक बस्ती खड़ी बस्ती वहाँ के किसी एक आदमी को हम तय कर देते हैं। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. समझ में आ गया? आपको भी आ गया? आपको कुछ कहना है? एक सुझाव मैं दे दूँ। और ये राशि सामग्री प्रतिदिन 50 लोगों को दी जाएगी, ठीक है? एवं 50 लोग भी हैं, वो मैं संपर्क करवा देता हूँ कि आप ही जाओगे। ये हो सकता है। लेकिन जैसे ही पता चलेगा, भीड़ तुरंत टूट के पड़ेगी। उसके लिए साफ क्या है? ये लोग फोटो खींच रहे हैं, एक दिन में राशन मिलेगा और 50 आदमियों की जो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना भाई। बुद्धिमान ये संभव है? नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं? कारण बताओ कि कैसे गेहूं है, हम गेहूं है। दूर 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 मेरी बात सुनो, आपके डीएसओ बात करता हूँ, रजिस्टर से भी एंट्री कर सकता है और आपको वेरीफाई करना। भैया बाकी दूर दूर रहिए, आप दूर दूर रहिए, दूर दूर रहिए। ये एक राशन की दुकान है जो अपने डिग्गी चौक पे है, जो खारी कोई क्षेत्र है जहाँ से पॉजिटिव पेशेंट मिला था, उसके एडजॉइनिंग ही है। यहाँ पर राशन की दुकान जो है, यहाँ पर राशन वितरण के दौरान काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके लिए डीएसओ साहब का आदेश भी है कि एक टाइम में 5 व्यक्ति आए और अधिकतम 50 लोगों को एक दिन में राशन वितरण किया जाए। इस संबंध में राशन जो डीलर है इनको समझा दिया है कि ऐसी व्यवस्था पहले लागू करें और लोगों तक ये मैसेज आए कि आज किन किन लोगों को राशन मिलना है, कल किन को मिलना है, परसों किन को मिलना है, जिस हिसाब से इसका प्रचार प्रसार हो जाए ताकि वही लोग आएँ जिनको राशन मिलना है। इसके लिए जो उन क्षेत्रों के जो पार्षद हैं उनको भी बुला के उक्त व्यवस्था के प्रचार प्रसार के लिए बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।